हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मेरूवेल और मैं आज आप सबके सामने सेक्शन बी लेके आया हूँ टेस्ट का कल का जो मॉक टेस्ट मैंने कराया क्लास पे सो so आप लोग अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ टू हंड्रेड रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फोन पे, जी पे या पे से नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री इस नंबर पे आप लोग पे करना होगा उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर है सेम नंबर जो कि नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री इस नंबर पे पे करके इसका स्क्रीनशॉट भेज देना ताकि मैं ऐड कर सकूँ और आज का मॉक टेस्ट आप लोग कर सको कर सकोगे सो देखिए पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन टू ट्वेंटी डिस्कस किया था जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सो so, अभी आज हम लोग सेक्शन बी का डिस्कस करेंगे इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन सो इसमें मार्क्स टेन है सो so, आप लोग देख लेना किस टाइप का क्वेश्चन है मैंने किस टाइप का क्वेश्चन रखा सो so, देखिए जो नंबर ट्वेंटी वन यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ई इंक्लूशन इनिशिएटिव सो क्या पर्पज है ई इंक्लूशन इनिशिएटिव का सो देखिए ऑप्शन ए टू क्रिएट डिजिटल डिवाइड इन द वर्ल्ड ऑप्शन बी टू लिमिट एक्सेस टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑप्शन सी टू प्रमोट एक्सक्लूसिव कम्युनिटीज थ्रू टेक्नोलॉजी ऑप्शन डी टू प्रमोट इक्वल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी थ्रू टेक्नोलॉजी सो इसमें जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन डी यानी टू प्रमोट इक्वल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी थ्रू टेक्नोलॉजी के साथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग स्वयं इज वेब पोर्टल बाई द एम एच आर डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज टू सो इसका पर्पज़ क्या है जो क्रिएट करना स्वयं जो वेब uh, पोर्टल है ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बाई द एम एच आर डी यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सो देखिए इसमें जो चार ऑप्शन है उसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मैसिब ओपन ऑनलाइन कोर्सेज सो so, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जान लेना क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था सो एम डबल सी यानी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री व्हाट आर द क्लासेस हुई कब द सेकंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू द एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर सो एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी का जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेकंडरी स्टेज कौन सा मतलब पड़ता है देखो सो so, इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी क्लास नाइन टू ट्वेल्व सो एन ई पी के ऊपर पूरा एक मेरा वीडियो है आई थिंक थर्टी फाइव क्वेश्चन का सो so, आप लोग वो वीडियो देख लेना आप लोग सर्च कर देना यूट्यूब पर रुबेल सर अकेडमी और जो एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी ये हो जाने से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर देखिए ट्वेंटी फोर एन ईपी ट्वेंटी ट्वेंटी प्रोपोज पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन व्हाट इज द नेम ऑफ द ई सी सी पेडागोजिकल फ्रेमवर्क सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी एनसी पी एफ ई डबल सी ई ध्यान रखना और इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बता दो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव on the basis of the recommendation of dash commission the first national policy on education was formulated by the government of India in 1968 so कौन से कमीशन के बेसिस पे ये जो फर्स्ट एन ए मतलब फॉर्मुलेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सो so, देखिए चार ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन है कोटारी कमीशन नाइनटीन सिक्सटी फोर सिक्सटी में फॉर्मेशन किया गया और 66 में इसका रिपोर्ट आया क्वेश्चन नंबर द एम ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन वॉज सो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन सो इसमें वन लाख रुपीज दिया, दिया दिया, गया कि जो स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन का मतलब डेवलप करने के लिए सो so ये फर्स्ट टाइम हुआ ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन सेवन सो कौन सा पॉलिसी नाइनटीन सेवेंटी फाइव में इंट्रोड्यूस किया गया सो so देखो चार ऑप्शन है इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी करिकुलम फॉर द टेन ईयर्स स्कूल ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ई एफ एजुकेशन फॉर ऑल याद रखना प्रोग्राम इज इन्वॉल्व इन सो देखिए ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल ऑप्शन बी रिमूविंग इलिटरेसी ऑप्शन सी रिमूविंग पॉवर्टी ऑप्शन डी इंप्रूविंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन डेस इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम सो देखिए ट्रेनिंग वीमैन एंटरप्रीनर्स प्रोवाइडिंग लिटरेसी एंड हेल्थ एजुकेशन ऑप्शन सी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम टू लर्न ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग वर्क रिलेटेड लिटरेसी किट सो इसमें जो नहीं है वो है ऑप्शन ए यानी ट्रेनिंग वीमेन एंट्रप्रीनर्स क्वेश्चन नंबर थर्टी जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है मतलब इश्यूज एंड ट्रेंड्स से जो टेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें लास्ट क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और जो इंग्लिश का टेन्न क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग जनरल नॉलेज का डिस्कस करेंगे और पूरा मिला के एक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन द फैक्टर इफेक्टिंग जो करिकुलम डेवलपमेंट इज सो देखिए इकोनॉमिक फैक्टर ये तो है सोशियोलॉजिकल फैक्टर साथ ही साथ साइंटिफिक फैक्टर भी है सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द सो थैंक यू सो मच आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा से जादा शेयर करो और पूरा देखना इस वीडियो को और जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट क्लास ज्वाइन कर लो क्योंकि टाइम नहीं है इसमें मैं पुराना जो पी डी है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट हुआ उसका सोल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा सो थैंक यू सो मच